देख रहे हैं, देखते जाइए आप। एक कुत्ता हुआ, इस टाइप के गाय को दीजिए, सब मटर के छिलका उलका लोग यहाँ डाल जाते हैं जो हमारे घर का निकलता है। कहा है खाओ खाओ बूढ़ा, हम ही ना धमकाओ। ये मटर के छिलका आप देख रहे हैं और ये अपने इनको दे दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि सड़क के ऊपर रोटी गऊ को खिला करके नाटक न दिखाओ। ये भूसा और छिलका खाने वाला जानवर है, इसको मटर के छिलका, गोभी का पत्ता, कहाँ है कहाँ है, खड़े हैं खड़े हैं, गोभी का पत्ता, चूनी चोकर, वो सब लागे दे दो। तो भुवन सिंह को मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए मैं अभी बंदर दफना के लौटा हूँ, और उसके बाद में आदमी बेचारा जा रहा था तो हमने कहा बेटा यहाँ पर एक पर्दे की व्यवस्था कर दो ताकि अंदर हवा ना जाए। इनको अभी तार सूजा दिया है, अब ये सब पुराने कपड़े गेट में डाले जा रहे हैं ताकि अंदर हवा न जाए। इतना ये भी इतना बंद कर लेंगे किनारा, गधे जी यहाँ आराम से लेटे हैं। लेकिन गधा दो गधा वो मटर के बढ़िया छिलका नहीं खा रहा है, देखते जाइए। अब फुलवाड़ी में इनके लिए हम घास छीलेंगे, हम छीलेंगे या हमारी बिटिया छीलेगी, अभी अंजलि जो आई है। इतना बढ़िया भुवन सिंह तना लाए हैं, चोकर गेहूँ का चोकर मिला के रखा है, लेकिन ये नहीं खा रहा है। क्यों? इसने बचपन से नहीं खाया, इसने अखबार, अभी अखबार लाके मुँह में लगा दें तो खाने लगेगा। अभी गत्ते का डिब्बा अगर मुँह में लगा दें तो कहिए यह गत्ता खाने लगे, हो सकता है कि खाने लगे। लो भैया खाओ, लो लो चबाओ खाओ, अभी मूड नहीं है इनका, सब लूट लीड वूट पड़ा है, ये सब अभी उठाएंगे। यहूदी खाली किया, तो एक नमूना दिखा रहे हैं। ये यही देवी के, और इसके 12 नाम हमारे पास शास्त्री जी ने कहा था, आज वो दुनिया में रामानंद शास्त्री जी नहीं है। हम शास्त्री जी को की बातों को हम YouTube पर डालेंगे। ऐसे गधे के 12 संस्कृत में नाम हैं, इन 12 नामों को लेने से ये मंत्र, इनके सामने वो मंत्र पढ़ा जाए, इनके करीब और इनकी सेवा करके, खाली मंत्र ना पढ़ा जाए। हमारे यहाँ बस खाली मंत्र पढ़ते हैं, हमको हंसी आ गई। YouTube पर देखा कि हनुमान जी के टोटके, देखिए जहाँ हनुमान जी के टोटके, लाखों लोग उसको देख चुके, हनुमान जी के टोटके। अब वो टटके में क्या होगा कोई गारंटी नहीं है, हनुमान जी हैं कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, गारंटी नहीं नहीं मिलेंगे। तो बंदर की सेवा करो। तो अभी इसके पहले हमने वहाँ वही बतौरा में सब तमाम बच्चे उच्चे थे, देखिए तमाम लोग सीख रहे हैं, इससे लोगों को शिक्षा मिल रही है। ऊँचे को पलटोगे एक चदरा है, रंग बिरंगा है, उसमें बड़े बड़े फूल वगैरह बने हैं, इसी इसमें नहीं, इसमें पिंजरे के ऊपर से निकालो, हाँ उसमें भी देख लो, ये बंद हो जाए, अब इससे अंदर हवा नहीं आएगा तो थोड़ी इसको राहत मिलेगी। अब ये पुराने सड़ियल सटीनू लगा के हम किसी तरह गुजारा कर रहे हैं, हैं लाखों रुपया भंडारा में, 5 लाख का बैंड बजता है ना, हमारा बस चले उन्हीं का हम बैंड बजवा दें, इतना अंधा समाज है हमारा। हाँ एक ए, 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 एक संगठा ऊपर लगा दो और एक थोड़ा नीचे लगा दो, हम रंगीन चदरा उसे कह रहे हैं, चदरा अंदर है वही, अच्छा चलो कुछ लगा दो। तो ये सारी व्यवस्था हो रही ताकि अंदर हवा ना जाए, इसको सेवा कहते हैं। पानी बरसेगा तो बचत होगी, हालांकि पुराना टीन है, सड़ियल टीन है, तो लोगों को चाहिए इसमें टीन छवा दो, कुछ व्यवस्था कर दो। जो एक बाबा काम करके दिखा रहा है अपनी पूरी ज़िंदगी, ये कोठी बंगला हवेली, इतना बड़ा मार्केट यहाँ से वहाँ तक, ये करोड़ों अरबों की संपत्ति है, ये अपने ही है, लेकिन हमने इससे कुछ लिया नहीं, क्योंकि भाई ने बनवाया, भाई उनकी चीज़ ले जाओ, हमने कभी मीन मेक नहीं, या मेरा है ये तेरा है कहीं कुछ है, जो कुछ है वो हमने बेटियों को सब दे दिया है। पूरा गीतांजलि गार्डन जहाँ गधा है, जहाँ आदमी काम कर रहा है, यहाँ से मेरा शुरू हो जाता है, ये हमारा पोर्शन है, और ये जहाँ तक ये जाली लगी हुई है, और जाली के बाद जो लाल ईंटा जो दिख रहा है वो हमारे बड़े भाई का है, जिनका ये मार्केट है, उधर हमारे चाचा लोगों का है। तो यही हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, अब करके देख कितनी मेरी दुर्गति होती है, दो दो तीन तीन दिन हो जाता है नहाने की फुर्सत नहीं मिलती, जितने देर में नहाएंगे उतने देर में हम 20 काम करेंगे। अब नहाने जा रहे हैं तब देखा गधे के लीड उठाना है, उसकी उसको उसको आखिर कौन सेवा करेगा। अब 2 घंटा हम नाग दाब के पूजा करेंगे तब तक तो ये सेवा हो चुका,
तो कोई भगवान पूजा नहीं चाहता है। कान खोल कर सुन लीजिए, ये दिमाग सबके फीतों निकाल, ये द्वापर त्रेता की बात मत करें, आप सतयुग की बात ना करें, घोर कलयुग है। नग्न लड़कियाँ सड़कों पर घूम रही है और शराब के ठेके और लाइसेंस दिए जाते हैं, चाहे कोई सरकार हो, वो शराब की दुकानें मोहल्ले खुलवाती है। अंडे मुर्गी मुर्गा तो कोई बातें नहीं, सरकार उसमें कहती है को भी इजाफा करो, खूब बकरी वाले बकरी पालो, मछली पालन वाले मछली पालो और हत्या करवाओ। ये घोर कलिकाल है, भारत और रामकृष्ण की धरती है नहीं है। तो ये नमूना आपको, फिर भी हमको मान लीजिए कि ईश्वर की तरफ से कोई हमको भेजा गया है, हम कौन हैं हम खुद नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन हाँ ये कि जो कुछ हम कह देते हैं जो कुछ करते हैं उसका फल प्रतिफल सामने आ जाता है। ये बुढ़िया जर्जर गाय खा रही, देखिए अभी पेट में इसका जाएगा, इसका कुछ पेट भरेगा, ऐसा घोसियों की गाय है, लेकिन अब दूध नहीं दे रही तो उन्होंने बाहर निकाल लिया, यही गनीमत है कि उन्होंने इसको कटवाया नहीं। तो एक आपको मैं नमूना दिखा रहा हूँ, ठीक, इस नमूना को देखो सीखो समझो, इसके बदले में हम आपसे कुछ नहीं चाहते। कोई आदमी जो अरब कंट्री वाले हैं उनसे मेरा निवेदन है कि भैया हमको सामान की व्यवस्था कर दो, तुमको गेहूँ देना है किसी व्यापारी के नाम भेज दो, हम नाम बता देंगे। तो बाकी क्योंकि अब पैसा हम अकाउंट नंबर तो है तो क्या है इसका, बड़ा धाम है उसके अंदर, अब इन चीज़ों से जीवन भर अछूत, हम करोड़ों रुपए गवर्नमेंट से ले लेते, आप वहाँ से पूछ लीजिए कहीं लिख के, यहाँ पढ़े लिखे लोगों से करोड़ों रुपए लेते गवर्नमेंट से, अब तक पशु सेवा के नाम पर और पर्यावरण सेवा के नाम पर, जो अजूबा करके दिखा दिया है। तो हम कई कई जिलाधिकारी यहाँ आए हैं इसको देखने के लिए, बहुत सारे पेड़ थे, देखिए नारियल वगैरह सब लगा हुआ है। तो हम वाणी को विराम देते हैं, आज की 8 तारीख है, और जो मैंने कहा था कि बंदर आने वाला है तो कल शनिवार में वो आया, उसके बारे में हमने आपको सब कुछ बताया। तो बस आप लोग संपर्क बना के रखें, प्रेम इसने, और स्वयं से कुछ करें, स्वयं से, अगर आपके इलाके में बंदर है आप खुद बंदर को खिलाइए, मुझसे मत डरिए आप, जहाँ एक दो बार आप खाना वो गेहूँ ले जाइए, कच्चा गेहूँ है भिगो के ले जाइए, सूखा गेहूँ ले जाइए, आराम से, कोई झंझट ना कीजिए। ये पुआ मालपुआ बंदर नहीं खाता है, उसके जगह आपको खिलाना है, आप सादी रोटी ले जाओ, सादी रोटी उनको दो। हम वाणी को मैं विराम दे रहा हूँ, जय मानवता, जय मोदी। मैं मोदी का मैं जानता हूँ ना, जब मूर्ख लोग हैं, मूर्ख लोग और ख़ास करके पैसे वाले लोग जो हैं वो जले जा रहे हैं कि बस मोदी ने बर्बाद कर दिया। अरे तुमको बचा लिया भगवान की, यहाँ तुमको इतने लाठी पड़ते ना कि तुम भूल जाते, भिखारी बनते, उतने ही कमाओ जितने में तुम जी सको, आराम से रह सको। अब यह है कि तुम्हारा बेटा हवाई जहाज वो हेलीकॉप्टर से उड़े, और राम खेलावन के बेटा जो है इसके पैर में जूते भी ना हो, यह तुम्हारी कितनी गंदी सोच है। तुम पूजा करते हो, मंदिर जाते हो, सुई के नोक बराबर, न किसी का भला हुआ है और न होगा। जय श्री राम, जय मानवता, जय मोदी।